नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। सीवान बिहार की सीवान संसदीय सीट पर जिंदो प्रमुख महिला प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। उनके पतियों की छवि बाहुबली राजनीतिक नेता की है। इस सीट पर एनडीए से जेडीयू के टिकट पर तरौंदा की विधायक और बाहुबली अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का मुकाबला पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से है, जो आरजेडी प्रत्याशी है। सार्वजनिक जीवन में हिना शहाब अक्सर बुरके में नजर आती हैं। दूसरी ओर जेडीयू प्रत्याशी के पति अजय सिंह सीवान में हिंदू युवा वाहिनी के प्रमुख हैं। इस कारण यहां चुनाव प्रचार में भगवा बनाम बुरका की चर्चा है। सीवान में यादव राजपूत जातियों और मुस्लिम समुदाय का खासा प्रभाव है। हालांकि इस बार चुनाव परिणाम पर अभी पिछड़ी जातियों का प्रभाव पड़ने की संभावना है। अजय सिंह अपनी पत्नी के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान हिना के बुर्के, शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि और पाकिस्तान की बातें भी करते रहे। हालांकि स्वयं अजय सिंह की छवि एक बाहुबली की है और उन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कविता को मिलेगा ओम प्रकाश यादव का समर्थन। कविता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारों के विकास कार्यों के आधार पर वोट मांग रही है। वहीं हिना शहाब सीवान की बेटी बहू होने के नाते वोट मांग रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में सीवान सीट एनडीए के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कविता सिंह की राह आसान नहीं दिख रही। इस सीट पर वर्तमान सांसद बीजेपी के ओम प्रकाश यादव है। आरजेडी में सीटों के बंटवारे के तहत इस बार यह सीट जेडीयू के खाते में गई है। ऐसे में ओम प्रकाश यादव और उनके समर्थकों का पूरा सहयोग कविता सिंह को मिलेगा, इस बारे में संदेह व्यक्त किया जा रहा है। पहले दो चुनाव हार चुकी हैं हिना। आरजेडी की हिना शहाब पहले दो बार लोकसभा चुनाव में नाकाम रही है। उन्हें अपने पति शहाबुद्दीन की बाहुबली छवि की भरपाई करने में काफी चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। विरोधी अपने चुनाव प्रचार में शहाबुद्दीन के दौर के सीवान का जिक्र करना नहीं भूल रहे हैं। राजनीति के अपराधीकरण और इस बारे में विरोधियों के आरोप के बारे में पूछे जाने